speak it. Read and write it too. Read and write it too. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. Aao, Angrezi seekhein. Part 7. नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। हमारे माता पिता कई तरह के व्यवसाय करते हैं, उसी के बारे में मेरे पड़ोसी संतोष और रंजना आज अंग्रेजी में बात करना सीखेंगे। तुम भी ध्यान से सुनना। क्या हुआ, कैसी आवाज आई? हाँ, लगता है कोई गिर गया। अरे माधवन की हमेशा की आदत है ना, देखता कहीं है और चलता कहीं है। पोस्टमैन को टक्कर मार दिया उसने। सॉरी 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 सॉरी। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं क्या? सॉरी, हरदम गिरते पड़ते रहते हैं। अरे अरे, सारी चिट्ठियाँ गिर गई। पोस्टमैन चाचा, ये लीजिए, देखिए खराब तो नहीं हुई ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ये भी माधवन कौन है? उनके लिए चिट्ठी है। चाचा, यही तो माधवन है। माधवन भैया, योर लेटर। यस यस, माय लेटर्स। ओ नो, माय मदर्स नॉट कमिंग। यर, रीड दिस सुनीता दीदी, शी सेंट अ लेटर फॉर यू टू। अच्छा, मेरे लिए भी चिट्ठी भेजी है। बताइए ना सुनीता दीदी, किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है? हाँ भाई, पढ़ रही हूँ। सॉरी, मलेरिया हॉस्पिटल कैंसल्ड माय हॉलिडे। अच्छा, माधवन की माँ यहाँ आने वाली थी, लेकिन उनके हॉस्पिटल में काम बढ़ गया है। चेन्नई में मलेरिया का प्रकोप चल रहा है ना, इसलिए उन्हें बहुत काम है वहाँ। अब वो छुट्टी नहीं ले सकती। योर मदर माधवन भैया, योर मदर डॉक्टर? यस, माय मदर इज अ डॉक्टर। एंड माय मदर टीचर? नो, से माय मदर इज अ टीचर। माय मदर इज टीचर। नो नो नो, से माय मदर इज अ टीचर। माय मदर इज अ टीचर। माय मदर इज अ टीचर। सुनीता दीदी, मेरी अम्मा नौकरी नहीं करती, घर में ही रहती है। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? जैसे हम लोग हिंदी में गृहिणी कहेंगे, उसी तरह अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुम्हारी माँ घर में काम करती है ना, खाना पकाना, बर्तन कपड़े धोना, तुम सबको संभालना, कितने सारे काम करती है ना? तो जो ये सब काम करता है उसे हाउस वाइफ कहते हैं। तो मैं ऐसे कहूँ, माय मदर इज अ हाउस वाइफ? हाँ बिल्कुल ठीक। मेरी माँ नर्स थी, वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मदद किया करती थी, मरीजों की देखभाल करती थी। तो बचपन में मैं कहा करती थी, माय मदर इज अ नर्स। माय मदर इज अ हाउस वाइफ। माय मदर इज अ हाउस वाइफ। माय मदर is a teacher. My mother is a teacher. Madhavan, what does your father do? My father is a teacher, a college teacher. My father is farmer, matlab kisan. Oh sorry, galti ho gayi. My father is a farmer. My father is a policeman. Oh, policeman? Haan. उसके पिताजी रोज मोटरसाइकिल से जाते हैं, उनके पास बंदूक है। बंदर? बंदर है? He has a monkey. माधवन, बंदर नहीं, बंदूक, गन। वो समझी, बंदर। ओ गन, आई सी, बंदूक गन। मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते थे, वो ऑफिस वर्कर थे। ऑफिस वर्कर, कारखाने में काम करने वाले को फैक्ट्री वर्कर कहते हैं, खेत मजदूर फार्म वर्कर कहलाता है। मंगला के पिताजी ड्राइवर है, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
ड्राइवर ही कहेंगे। हम हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्राइवर, पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स। ओ, सेम इन इंग्लिश एंड हिंदी, ड्राइवर, पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स। यस माधवन, इट्स द सेम इन इंग्लिश एंड हिंदी। आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What does your mother do? My mother is an office worker. Office मतलब दफ्तर, office worker यानी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति। What does your father do? My father is a factory worker. Factory worker मतलब कारखाने में काम करने वाला मजदूर। खेत मजदूर को क्या कहते हैं? फार्म वर्कर। माय फादर इज अ फार्म वर्कर। और शिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टीचर। माय mother is a teacher. What does your mother do? My mother is a housewife. Housewife मतलब गृहिणी। सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समर जाएगी। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ये प्रश्न हम पूछेंगे। पहले प्रश्न ध्यान से सुनो, फिर मेरे बाद सब एक साथ दोहराओ। What does your father do? अब इसी तरह तुम्हारी माँ क्या करती हैं, ये पूछना है। मेरे बाद सब एक साथ बोलो। What does your mother do? उत्तर कैसे दोगे? मां के बारे में प्रश्न हो तो कह सकते हैं, My mother is a teacher। और पिताजी के बारे में हो तो कह सकते हैं, My father is a farm worker। अच्छा, अब मैं अलग अलग बच्चों से ये प्रश्न पूछूंगी कि तुम्हारी माँ क्या करती हैं और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। उत्तर अंग्रेजी में ही देना है। यदि तुम किसी व्यवसाय का अंग्रेजी शब्द नहीं जानते हो तो वो शब्द हिंदी में भी कह सकते हो, जैसे माय फादर इज अ बढ़ई। लेकिन याद रहे, वाक्य अंग्रेजी में ही होना चाहिए। चलो, जब घंटी बजे तो टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। What
does your mother do? गुड, अब टीचर किसी और बच्चे को चुनेंगे। अब तुम बताओ, व्हाट डज योर फादर डू? अब आप अपनी माँ के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में कह सकते हैं ना, उनका नाम और वो क्या करती हैं। ऐसे, माय मदर्स नेम इज कुंती यादव, माय मदर इज अ टीचर। कौन बताएगा अपनी माँ के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में? घंटी बजने पर टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। अपनी माँ के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में बोलो। और कौन बताएगा अपनी माँ के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में? अब ऐसे ही दो वाक्य अपने पिता के बारे में बता पाओगे ना? घंटी बजने पर टीचर जी किसी बच्चे को खड़ा करेंगे। अपने पिता के बारे में दो वाक्य बोलो अंग्रेजी में। गुड, अब टीचर किसी और बच्चे को चुनेंगे। अपने पिता के बारे में दो वाक्य बोलो अंग्रेजी में। कक्षा के हर बच्चे से अपने माता पिता के बारे में दो वाक्य बोलने का अभ्यास टीचर जी करवाएंगे। जैसे इन बच्चों ने बोला है, वैसे ही शेष बच्चों को भी टीचर बोलने का अवसर देंगे। अगले 15 मिनट तक यही अभ्यास जारी रखना है। आज का पाठ यही समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब